So hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to the Raga Vlogs. अभी दे दो अपना इंट्रो. So hello, namaste, sat sri akal adab. This is your friend Anmol Khanna and welcome back to my YouTube channel ARK Vlogs. आज फ्रेम लंबा है तो बंदा खुल के बोल. देखो आज हम कंपैरिजन क्या करने वाले तुम लोगों को पता है. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के. मैं कैरी बिना डिस टाइम. तो भाई आज के दिन बात करने वाले हैं KTM 390 और डोमिनार के बारे में. ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है बिकॉज डोमिनार जो 2019 आई है उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हवा में है कि भाई साहब कौन सी लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए. ये है 2018 डोमिनार 400 विद ABS और मेरे पास मॉडल है KTM 390 या 2018. तो दोनों का मुकाबला हो सकता है. पहले मेरे को बताओ अनमोल कि 2019 में क्या क्या चेंजेस है. 2019 में एक तो डिजिटल जो कंसोल है, मीटर कंसोल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं. जैसे कि एवरेज दे दी गई है उसके अंदर, फ्यूल टू एम्प्टी, और जो एम और एस के जो बटन्स होते हैं हमारे में वो टैंक पे दे दिए गए हैं. और सबसे बड़ा सस्पेंशन यूएसडी फॉक्स आ चुके हैं. और मतलब सेम ऐसे सस्पेंशन दे दिए नीचे के साइड, मतलब नीचे आ गए हैं, ठीक है, अपसाइड डाउन फॉक्स. हाँ, तो और ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है. अब बात करते हैं कि हम बाइक्स को कहाँ कहाँ लेके गए हैं और हम क्यों रिव्यू दे रहे हैं इसका. मैं बाइक को लेके गया हूँ धनौल्टी यानी पहाड़ पे भी लेके गया हूँ. इसको लेके गया हूँ मुंबई, मुंबई का मतलब प्लेन रोड्स पे भी लेके गया हूँ. इसको मैं ड्यून्स पे भी लेके गया हूँ. भाई आप कहाँ कहाँ लेके गए हो. भाई लद्दाख कहना काफी आएगा. हाँ, तो ये जो है माउंटेन्स ही खेलते हैं. मैं दोनों साइड खेलता हूँ, मैं हर जगह भी खेलता हूँ, मतलब ड्यून्स माउंटेन, मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन आज यहाँ पे ये आती है कि परफॉर्मेंस क्या देती है, माइलेज क्या देती है. तो भाई डोमिनार एवरेज कितनी दे रही है. भाई अप्रॉक्सीमेटली अगर निकाले तो 25 से 26 की एवरेज मेरे को मिलती है, हिल्स प्लेन रोड सब कुछ मिला के. 25 से 26, देखो जब मैं राइडिंग पे जाता हूँ तब मेरे को मिलती है 25 से लेके 30 तक की. हाँ जी, ये जो मोटे लोगों, हाँ ये जो है इतनी दे देती है. हाँ. लेकिन यहाँ पे जब बात आती है कि नॉर्मल डे टू डे सिटी, जब बाइक हीट हो रही है, मतलब पूरी लगी पड़ी है बाइक की, तो मेरे को एवरेज मिल जाती है इसकी 21. माइलेज टेस्ट कर रखा है दो बार, तो जाके देखो. देखो अब बात आती है दोनों की बॉडी की, कि दोनों की बॉडी कैसी है और मतलब क्वालिटी क्या है. देखो इसमें मिलता है ये फाइबर है टैंक के या मेटल है पूरा. फाइबर है सारा इसमें. आपको ऊपर के साइड मेटल मिल जाता है और साइड के साइड आपको जो है फाइबर मिल जाता है. लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा डोमिनार जो है, डोमिनार इज लाइक हंक टाइप, बहुत ही ज्यादा बल्की टाइप. खुद अपना बल्की हटाओ और एक बार दिखाओ. हाँ देख सकते हो, और इसमें देख सकते हो बहुत छोटी सी है. अभी ये बैठा था सेटिंग के चक्कर में, पता छोटी सी लगी थी. बिल्कुल यार, बहुत प्यारी सी बाइक है, छोटी सी, बहुत इजी टू हैंडल है. देखो काफी लोगों का ये सवाल होता है क्या हमारी हाइट इतनी है, हमारी हाइट इतनी है, हम ये चला सकते हैं. देखो अगर तुम्हारे पास डोमिनार है, डोमिनार किसी भी हाइट वाले को बहुत अच्छी लगेगी, चाहे तुम्हारी हाइट 6+ हो या कुछ भी हो. लेकिन जब सैबी इस पे बैठा था, मतलब मेरा दोस्त बैठा था, आई थिंक वो 6'2" है, आई थिंक सो, वो इस पे बैठा था तो उस पे बहुत ऑकवर्ड लग रही थी. मेरा वेट अभी थोड़ा ज़्यादा है तो मेरे पे ठीक ठाक लगती है, इस पे भी ठीक ठाक लगती है. लेकिन जो पतले लोग हैं उन पे ड्यूक बहुत अजीब लगती है और उनका उड़ने का भी डर है क्योंकि इसका पिकअप और पावर बहुत है. लेकिन बात होती है डोमिनार की, डोमिनार थोड़ी हैवी है जो ग्राउंड पे जो है पकड़ बना के रखती है. पावर है वो इनफ है माउंटेन्स में चढ़ाने के लिए. इसकी पावर जो है इस हिसाब से दी गई है कि ट्रैक में ले जाओ आप उसको. सो बात करते हैं हेडलाइट्स की. देखो दोनों में LED हेडलाइट्स हैं, आपको कोई भी रोड पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही मज़ा आएगा. ड्यूक की थोड़ी वाइड है, इसकी थोड़ा फोकस ज़्यादा है रोड पे. ड्यूक की जो है ऐसे फैली हुई है, इसकी ऐसे है, मतलब इतनी है. आपको डोमिनार पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी और लाइट की. इसका बहुत ज़्यादा आई थिंक लाइट कैसे है लाइटिंग में मामला. यार लाइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब इसमें अगर आपको साइड लाइट्स लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. हाँ. फोकस है इसका स्ट्रेट. और डोमिनार बजाज वालों ने ये वादा कर रखा है कि 1 किलोमीटर अप्रॉक्स 0.5 किलोमीटर तक ये लाइट जाती है. अब बात करते हैं टायर्स की, क्योंकि किसी भी बाइक में टायर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. डोमिनार में आपको मिलते हैं
कौन सा टायर, वो है MRF टायर, और यही आपको KTM 250 में मिलते हैं। लेकिन KTM Duke 390 में आपको मिलते हैं Metzeler, जो कि एक ट्रैक टायर है, बट मैं वो आपको दिल से रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज वो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 या 8,000। मैंने अभी लगा रखा है अपने में Michelin टायर, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, और आई थिंक सो 3,000 और आराम से निकाल लेगा। गाइज अगर मीटर की बात करें तो आपको इसमें डिजिटल मीटर मिल जाता है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा मीटर है जो कि आपको बाइक के बारे में सब इंफॉर्मेशन देगा कि क्या क्या बाइक के साइन ऑन है या नहीं है, ठीक है। और आपको इसमें इंजन ऑयल के बारे में पता चल जाता है, लेकिन आपको जो है इसमें गियर के बारे में नहीं पता चलता। जहाँ पे आती है बात ड्यूक, यहाँ पे बात आती है TFT डिस्प्ले की। भाई साहब ये TFT डिस्प्ले कमाल है, कमाल। यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी ऑपरेट कर सकते हो इसमें। आप इसका ABS बंद कर सकते हो इजीली, और कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये इसका सबसे बड़ा प्रो है 390 का, कि 2.5 लाख तक की इसकी प्राइस पहुंचती है, और इसमें आपको एक LED और साथ में सेंसर वाला आपको जो है साथ में TFT डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पे इसके सेंसर। तो बात करते हैं मॉडिफिकेशन क्या क्या करवा रखी है दोनों बाइकों में और कौन सी अच्छी लगती है। हैंड गार्ड इसके जो है पहले से आते हैं, इसमें हैंड गार्ड लगा रखी है, और हैंड गार्ड आपकी बाइक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ हैंडल, और आपका हाथ बच जाता है ये। और साथ ही साथ बताओ तो यहाँ पे लगा रखा है भाई ने अपना जाना फॉर अ सेफ्टी पर्पज, बट मैंने लगा रखे स्टॉक गार्ड्स, मेरे पे भी जाना लगे थे, मैंने जाना हटवा दिए थे। और यहाँ पे जो है दोनों में जाना के जो है आपको सैडल बैग स्टे आ जाता है, अगर आपको लगवाना है तो आप इजीली लगवा सकते हो, मैंने नहीं लगवाया हुआ। आई वॉज लाइक मैं अकेले राइड करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं ऊपर एक बैग रख लेता हूँ। बाकी इंडिकेटर दोनों के सेम है, ठीक है, इंडिकेटर में ऐसी कोई बात नहीं है। और आप जो है मोबाइल माउंट वगैरह, मतलब सारी मॉडिफिकेशन दोनों बाइक में कर सकते हो, मॉडिफिकेशन को लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बात करते हैं दोनों बाइकों के कंफर्ट के बारे में। देखो ये सबसे मेन टॉपिक है, और दोनों बाइकों में अगर तुम टूरिंग पे जाते हो, देखो एक RC 390 है लाइक दैट, वो RC 200 है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे RC 390, वो पूरी रेसिंग पोस्टर है, आप उस पर बहुत कम लोग जो है माउंटेन्स पर ले जा पाते हैं। लेकिन ड्यूक 390 और डोमिनार एक ऐसी बाइक है जो कि कंफर्ट आपको देती है, लेकिन जो ड्यूक है वो काफ़ी हद तक रेसिंग पोजीशन में आ जाती है। जब आप इस पर बैठते हो यू आर लाइक दिस पोजीशन, मतलब थोड़ा बहुत झुके हुए हैंडल तक हाथ पहुँचने, ठीक है, अगर आप ऐसे भी होते हो तब भी थोड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन है। लेकिन अगर आप डोमिनार में बैठते हो, सबसे बड़ी बात क्या है, डोमिनार की एक तो सीट पूरी ऐसी है कि भाई कुशन रखो, और यू आर लाइक दिस, मज़े में कोई दिक्कत नहीं। कितना मज़ा लेता है अनमोल? बहुत बहुत ही कंफर्ट बाइक है, जैसे हिमालयन है वैसी ही कंफर्ट बाइक है। पहले मैं इसको इतना ऊंचा नहीं समझता था, मतलब बाइक को हाँ ठीक है बाइक है डोमिनार, लेकिन जब मैंने चलाई, जब इसकी पावर देखी, जब मैंने इसका कंफर्ट लेवल देखा, तब मैंने कहा हाँ ये भी एक बहुत तगड़ी प्राइस रेंज में बाइक है। देखो अब सबसे मेन टॉपिक आता है पावर। देखो जब ये पुराना मॉडल है, ये जिनके पास है उनके पास है 34 BHP, टॉक की मैं बात नहीं करूँगा, वो सर्च कर लो, ठीक है, साफ सीधी बात है, कोई नहीं रखता इतना। लेकिन जो नई डोमिनार आ रही है उसमें आपको मिलता है 40 BHP का सपोर्ट, और काफ़ी अच्छी पावर है। लेकिन जो कि ड्यूक 390 है वो है 44, और वो अभी भी 44 ही है, जो नया वाला 2019 वाला मॉडल निकाला है, एडिशन नहीं बोलूँगा या फिर जनरेशन नहीं बोलूँगा, बस मॉडल निकाला है, ठीक है। ड्यूक में यहाँ पे मैं सिंपल कंपैरिजन कर देता हूँ, आपको एक रेसिंग पोस्टर और मज़े वाली बाइक है, आप वैल्यू उठा सकते हो, पिकअप हद से ज़्यादा है भाई साहब। लेकिन डोमिनार नई वाली मैंने अभी तक इतने अच्छे से चलाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनमोल जी आपने चलाई है, क्या एक्सपीरियंस है नई वाली डोमिनार का? भाई डोमिनार नई वाली बहुत अच्छी है, एक तो पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जैसे राघव ने बताया कि ऑलमोस्ट 6 BHP की पावर उसमें बढ़ा दी गई है, कुछ बॉडी में चेंजेस हैं, और कंफर्ट लेवल इस वाली डोमिनार से ज्यादा बेटर है, ठीक है। और अगर आपको इन दोनों में से, मतलब 2019
डोमिनार और ड्यूक 390 में से चूज करें तो क्या चूज करोगे? मतलब दिल से बोलना, वैसे नहीं है कि आप ऑनर हो उसके तो नहीं भाई। अगर आप पावर चाहते हो, एग्रेशन चाहते हो तो गो फॉर KTM। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको ऑफ रोड ज्यादा करना है, आई मीन KTM में भी ऑफ रोड कर सकते हैं, और राल्को का टायर डाल के तो आप किसी को भी एक हद तक ऑफ रोडिंग मशीन बना सकते हैं। लेकिन मैं अपने डोमिनार में एक स्टॉक टायर के ऊपर लद्दाख करके आया था और सैडलिंग करते हुए प्रॉपर तरीके से बहुत लंबे लंबे किलोमीटर तक चला था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैंने KTM अभी तक ऑफ रोड पे ट्राई नहीं करी है, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं रिव्यूज सुने, राघव ने बहुत चलाई है, तो भाई KTM भी बहुत अच्छी बाइक है और डोमिनार बहुत अच्छी बाइक है। अपने अपने मैं हमेशा से एक चीज बोलता आया हूँ, हर बाइक अच्छी है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी बाइक बनी है, ठीक है? मेरे लिए, मेरे को KTM Duke 390 चलाते अब 1 ईयर हो चुका, 1 ईयर 2-3 मंथ्स हो गए हैं, तो मैं हाँ ये कैसे तो ये बाइक मेरे लिए बनी है। जिसको डोमिनार चलाते हो लेके गया और कितना टाइम हो गया, 1 साल के ऊपर हो ही गया, तो ये कैसे थे? और वो बंदा यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाइक सिलेक्शन के ऊपर, यहाँ पे हमारे साथ है करण भाई। करण कौन सी बाइक चलाता? अपाचे। और ये बंदा इतने टाइम से चला रहा है उस बाइक को और फुल मजे में चलाता है। ये कोई बात नहीं है कि बड़ी बाइक लेनी है, बड़ी बाइक लेनी है, जो भी बाइक चला रहे हो दिल से चलाओ, सेफली चलाओ, बहुत मजा आएगा। ये भी तो RC 200 चला रहा है और बहुत ही बढ़िया चलाता है। इसने अभी हमसे क्या बात बोली थी कि मैं चाहे तो ले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आदत हो चुकी है बाइक की। बाइक से प्रेम बनाओ, बाइक की कम्युनिटी से प्रेम बनाओ, ठीक है? ध्यान रखना, राइडर अच्छा होना चाहिए, मेन मुद्दा। करण जी ने बोला अभी, तालियां हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, फिर थोड़ी बहुत गालियां छोड़ो। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। दोनों बाइकों में से जौन सी भी लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है। RC वाले बोले, देखो यहाँ पे दोनों बाइकें हैं, आपको जो लेनी है मेरा फुल सपोर्ट है, बट एक बार ध्यान रखना, राइड सेफ। आप कोई भी बाइक ले रहे हो उसमें से थोड़ा 10-20 हज़ार रुपये पैसे एक्स्ट्रा रखो, ठीक है? आपके बजट में लाओ ताकि आप एक अच्छे राइडिंग गियर्स ले पाओ, क्योंकि आजकल जो इंडिया का हाल है उस चक्कर में आपको कुछ भी हो सकता है, और मैं नहीं चाहता मेरी RV गैंग को कुछ हो, ठीक है? तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑलवेज गुड क्वालिटी हेलमेट्स एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट व्हाइल यू ड्राइविंग बाइक एज लेवल। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे कल किसी नए और फ्रेश एपिसोड के साथ।